हेलो स्टूडेंट, आज फिर पढ़ते हैं हम 10th क्लास का एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हमने पहले भी वीडियो बनाया था। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां जाके इसे देख सकते हैं। उसके आगे इसी में मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस एंड चेक, हिंदी में शून्य ज्ञात करनी है और हमें उत्तर की जांच करनी है। हमारे पास एक क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15 यानी 50। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे हम टी स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे। माइनस कितना है, क्योंकि वहां पे हमारे पास इसे पिछले सवालों में तीन क्रम यानी तीन पद होते थे, उसे हमें चार क्रम में बनाना होता था। फैक्टराइजेशन मेथड से हम शून्य निकालते थे, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर हमारे पास केवल दो ही क्रम है, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल अब भी है, क्योंकि सबसे बड़ी पावर इसकी कितनी है, टू, यानी द्विघात समीकरण ये अभी भी है। तो इसे करने के लिए क्या तरीका है, टी स्क्वायर ऐसे रहेगा माइनस ये जो 15 है यानी 15, इसे हम रूट में ऐसे करके लिख लेंगे। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि रूट दो से इस वर्ग से क्या हो जाएगा, रूट टू से स्क्वायर कट जाएगा, यानी 15 ही रहेगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगता है, आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सेम देखो, ये टी जो है ए को डिनोट कर रहा है और माइनस रूट 15 जो है वो बी को डिनोट कर रहा है। तो क्या करेंगे, इसे हम इसी तरह एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका टी माइनस रूट 15 और ये हो जाएगा आपका टी प्लस रूट 15, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे टी जो है वो ए को डिनोट कर रहा है और रूट 15 बी को कर रहा है, तो इसीलिए ए की जगह टी, बी की जगह रूट 15, ए की जगह टी और बी की जगह रूट 15। दो बार लिख लिया, हमें क्या निकालना है इसका, शून्य। तो बराबर करके लेके चलते हैं इसे, साथ ही साथ जीरो लेके चलते हैं अब। तो एक बार ये हो जाएगा आपका t माइनस 15 इक्वल टू कितना आ गया, जीरो, यानी t इक्वल टू ये लेफ्ट में है, जब भी राइट में जाएगा अपना साइन चेंज करेगा, कितना आ गया, प्लस का 15। इधर आ गया आपका t प्लस रूट 15, इधर क्या है प्लस में, तो उधर जाएगा किसमें हो जाएगा माइनस। तो ये आ गया आपका आपको बताया था पिछले डिस्क्रिप्शन में, इसी जीरो को, क्योंकि क्या बोलते हैं इसे, इसे ही अल्फा बोलते हैं और इसे ही बीटा बोलते हैं। तो फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा, बात वही है, बी अपॉन में ए, यहां पे अल्फा इनटू बीटा सी अपॉन में ए, वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और साथ ही साथ हिंदी वाले सम ऑफ शून्य को का योगफल माइनस गुणनफल ऑफ क्या, टी, और नीचे गुणनफल ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर सम ऑफ जीरो कौन कौन सी हमारे पास, एक तो आया आपका 15 प्लस में और एक आया 15 माइनस में, ठीक है। लेकिन सम करना है तो यहां पे प्लस और ये माइनस करना है तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, ठीक है, बराबर माइनस पहले से कोफिशिएंट ऑफ टी, टी यहां पे क्या है, नहीं है, क्योंकि टी स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म में ए है, बी नहीं है, सी है डायरेक्ट, तो सी की जगह वैल्यू नहीं है, तो क्या लिखेंगे, जीरो, ठीक है दोस्तों। अब ये प्लस माइनस कितना आ गया, जीरो। इधर आपका नीचे लिखना चाहो तो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है यहाँ पे, एक, कुछ नहीं है तो एक, एक लिखने की वजह से नीचे की जरूरत नहीं है, तो इधर भी जीरो और इधर भी क्या आ गया, जीरो, तो दोनों वैल्यू हमारी क्या सेम हो गई, ठीक है दोस्तों, दोनों वैल्यू हमारी सेम हो गई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में है आपका रूट 15 इनटू माइनस रूट 15, दो शून्य के हमारे पास, दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बराबर कांस्टेंट टर्म कितना है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म सी को बोलते हैं, यानी सी कितना है माइनस 15। कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कितना है, एक, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इधर नहीं आ रहा आपको में। अब रूट 15 की रूट 15 से जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 15, क्या आएगा 15, यानी किसी भी रूट वाली संख्या से, सेम रूट वाली से करोगे तो वही सेम संख्या आ जाएगी, और प्लस माइनस माइनस, इधर भी क्या आ गया माइनस। तो इस प्रकार देखो हमारा जो सवाल है, दोनों ही वैल्यू उनकी दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर आई है, तो इसका मतलब हमारा ये सवाल सही है। इस तरह अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।